Hello everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain part 3 of average and this is the last part of average और इसमें हम करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, तो करते हैं स्टार्ट. एंड द क्वेश्चन इज, ए क्रिकेट प्लेयर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स तक एक क्रिकेट प्लेयर का जो एवरेज है वो क्या है? फिक्स्ड है. ओके, मींस हमें गिवन नहीं है बट वो एवरेज फिक्स है. आगे, इन हिज 65th इनिंग ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट. 65th इनिंग जब वो खेल रहा था तो वो बोल्ड आउट हो गया और तब तक उसने कोई स्कोर नहीं बनाया. ओके, दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स और इस वजह से उसका एवरेज क्या हुआ, जो सर्टेन एवरेज था 64 इनिंग तक, वो 2 रन से डिक्रीज हो गया. ओके, मीन्स अगर हम एज्यूम करें कि 64 इनिंग तक जो सर्टेन एवरेज है वो एक्स है, ठीक है, तो न्यू एवरेज हमारा क्या हो गया, एक्स माइनस 2, करेक्ट. अब हमसे पूछा है हिज न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज उसका क्या है ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे 64 इनिंग तक टोटल नंबर ऑफ रन, ठीक, वो कितने हो जाएंगे उसके, 64x, करेक्ट, क्योंकि एवरेज को हम क्या ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि उसका जो सर्टेन एवरेज है वो क्या है, x है, ठीक है, तो 64x हो गए टोटल नंबर ऑफ रन, कब तक, 64 इनिंग तक. अब 65th इनिंग में टोटल नंबर ऑफ रन क्या हो जाएंगे उसके, क्योंकि एवरेज 2 से डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2. ओके, और 65 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, जो 65th इनिंग में स्कोर किया और स्कोर कितना किया उसने, 0, ठीक है, 0 ही बनाया ना, नो स्कोर. ओके, यहां से इस इक्वेशन को करेंगे हम सॉल्व, x की निकालेंगे वैल्यू, तो क्या आएगी, देखिए इसको करेंगे तो 65x और 65 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 माइनस 64x इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 130 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 130. ओके, और ये हमारा क्या है, 64 इनिंग तक एवरेज, ठीक, तो 64 इनिंग तक अगर एवरेज हमारा 130 है तो 65th इनिंग में मींस न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 2 रन से कम हो जाएगा, तो कितना आ गया, 128 रन्स, करेक्ट. आई होप समझ आया होगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक. तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक हम क्या देखेंगे कि कौन सी इनिंग है जिसको खेलने की वजह से क्रिकेट प्लेयर के एवरेज में चेंज हुआ. ओके, यहां पर कौन सी इनिंग है, 65th इनिंग, क्योंकि 65th इनिंग खेलने के कारण उसका एवरेज क्या हो गया, 2 रन से डिक्रीज हो गया. ओके, अब जिस इनिंग से उसके एवरेज में चेंज हुआ है उसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, जितना भी एवरेज में चेंज हुआ है उससे, ठीक है, मतलब 65th इनिंग की वजह से उसके एवरेज में क्या चेंज हुआ कि उसका एवरेज 2 रन से कम हो गया. ओके, तो इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये उसका ओल्ड एवरेज. ओके, ओल्ड एवरेज मींस 64 इनिंग तक जो उसका एवरेज सर्टेन एवरेज था वो कितना था, 130, ठीक है. बट अब हमसे क्या पूछा है, देखिए अगर ओल्ड एवरेज पूछा होता तो हमारा आंसर आ चुका, करेक्ट, बट हमसे पूछा है न्यू एवरेज और न्यू एवरेज क्या हो रहा है, उसका 2 रन से डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे तो 130 माइनस 2 इक्वल्स टू 128, करेक्ट, तो 128 इज आर न्यू एवरेज. ओके, आई होप ये भी समझ आया होगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं आप, और ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं. ओके, इस क्वेश्चन में एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा था इसलिए हमने माइनस 2 किया, बट अगर एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तो हम क्या कर देते हैं यहां पर, प्लस. ओके, तो इस तरह से आप ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज दोनों ही फाइंड कर सकते हैं. आई होप समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट, सचिन हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 11th इनिंग इन
his 12th inning, he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs. His new average is, देखिए यहाँ पर भी 11th इनिंग तक क्या था, उसका एवरेज फिक्स था, सर्टेन था, ओके, बट 12th इनिंग में उसने बनाए 120 रन्स और उस कारण उसका जो एवरेज है वो चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना, 5 रन से, ठीक। तो क्या करेंगे, अगेन अगर सर्टेन एवरेज मींस 11th इनिंग तक का जो एवरेज है वो हम एक्स एज्यूम करें, तो टोटल नंबर ऑफ रन 11th इनिंग तक हमारे क्या हो जाएंगे, 11 × x, राइट, 11x, एंड 12th इनिंग में उसने कितने रन बनाए हैं, 120, और एवरेज में चेंज कितना है, 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा एवरेज, नया वाला हमारा न्यू एवरेज इज एक्स प्लस 5, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ रन निकालेंगे 12th इनिंग तक, तो इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, और अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो 12th इनिंग में उसने जितने रन बनाए हैं उसके इक्वल आएगा ये, ओके, और कितने बनाए हैं, 120, ठीक है, समझ आया। अब ये मिल गई हमें इक्वेशन, इसको करेंगे सॉल्व, तो 12x माइनस 11x तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 120 है और 12 × 5 = 60, तो कितना आ गया हमारा, 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया 11th इनिंग तक एवरेज, जो पुराना एवरेज उसका है वो, ठीक। अब नया जो एवरेज है उसमें क्या होता है, 5 का चेंज हो जाता है, 5 रन से वो इंक्रीज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा नया एवरेज हमारा, न्यू एवरेज इक्वल्स टू 60 + 5, दैट इज 65, ओके। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए लास्ट इनिंग क्या है 12th, और कितने रन का चेंज आ रहा है, 5 रन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो 12 × 5 = 60, ओके, और क्योंकि एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करेंगे हम प्लस, तो कितना आ गया, 65, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। आई होप दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी। नाउ नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज द बैटिंग एवरेज फॉर 30 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 40 रन, his highest score exceeds his lowest score by 100 runs. If these two innings are not included, the average of the remaining 28 inning is 38 run. The lowest score of the player is. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30 इनिंग में एवरेज क्या है, 40 runs. अब एक इनिंग में उसने हाईएस्ट स्कोर बनाया, दूसरी इनिंग में उसने लोएस्ट स्कोर बनाया, और हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों जो रन है उनका डिफरेंस क्या है हमारा, 100, और अदरवाइज हम कह सकते हैं कि लोएस्ट स्कोर से हाईएस्ट स्कोर हमारा कितना ज्यादा है, 100 रन्स, ठीक है। आगे उसने बोला कि अब जो कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर जिन इनिंग्स में बने उनको हटाया गया, तो रिमेनिंग इनिंग मींस 28 इनिंग्स का एवरेज क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, 38 रन, ठीक। तो हमें बताना है कि लोएस्ट स्कोर क्या है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन, क्योंकि हमारा हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में क्या है कि दोनों का डिफरेंस 100 है, ओके, और हमसे जो पूछा है वो पूछा है लोएस्ट स्कोर, तो हम लोएस्ट स्कोर को एज्यूम कर लें कि वो एक्स है, तो हाईएस्ट स्कोर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 100, ओके, क्या हो जाएगा, लोएस्ट अगर हमारा एक्स है तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 100, ओके। अब अगर हम करें कि 30 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 30 × 40, राइट, एंड 28 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना है, तो 28 × 38, ओके। तो अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो हमें ये हाईएस्ट स्कोर वाली इनिंग और लोएस्ट स्कोर वाली इनिंग में कितने रन बने वो मिल जाएंगे, और वो कितने होंगे, इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे, इन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है, एक्स प्लस 100, ओके। यहां से इसको माइनस करने से हमें क्या मिल रहा है कि हमारी जो दो इनिंग्स हैं जिनको हटाया गया, जिनको इंक्लूड नहीं किया गया,
उनके कितने रन हैं वो मिलेंगे, और वो कितने हैं हमारे जो हमने एज्यूम किए हैं इन दोनों के टोटल के इक्वली होंगे, राइट। समझ आ गई ये इक्वेशन कैसे बनी। अब यहां से निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1200 माइनस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हो गए, 2x प्लस 100, ओके। और इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 136 इक्वल्स टू 2x प्लस 100, 100 को इधर लाएंगे तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 36, और x इक्वल्स टू 18, ओके। और देखिए x को हमने क्या एज्यूम किया था, लोएस्ट स्कोर, ओके, और लोएस्ट स्कोर ही उसने पूछा है, तो दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ लोएस्ट पूछा है, अगर हमसे हाईएस्ट पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, 100 प्लस कर देंगे, तो मतलब हाईएस्ट स्कोर उसका कितना है, 118, ठीक है। तो ये हुआ इसका ट्रेडिशनल मेथड, करते हैं अब शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हम फाइंड करें कि इन दोनों इनिंग्स के टोटल स्कोर में क्या डिफरेंस है, ओके। तो उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई मीन्स टोटल नंबर ऑफ रन, 30 इनिंग्स में कितने हुए थे हमारे 1200, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड माइनस किया था इन दोनों को, मीन्स 28 इनिंग तक टोटल रन कितने हैं उसके, 28 इंटू 38 हमारा क्या आया था अभी, 1064, ओके। अब इसको माइनस करके क्या मिलेगा हमें, 136, ओके। अब 136 हमारे क्या है कि वो जो हाईएस्ट स्कोर बने और जो लोएस्ट हमारे स्कोर बने हैं उन दोनों का टोटल हमारा क्या है, 136, ओके। अब 136 को हम ऐसे ब्रेक करें कि जिन दो नंबर्स में हम ब्रेक करेंगे उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस क्या है हमारा, 100, ठीक है। लोएस्ट में जितने रन बनाता है हाईएस्ट में उससे 100 ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो करेंगे इसको ब्रेक, तो देखिए अगर हम इसको कर दें 118 एंड 18, ठीक, तो यहां पर दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, 100, ओके। और हमें मिल गया कि जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या है, हाईएस्ट स्कोर, और छोटा नंबर क्या है हमारा, लोएस्ट स्कोर। और अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वापस से, टोटल नंबर ऑफ रन जो इन दोनों इनिंग्स में बने थे, ठीक है, बात आई समझ। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, द एवरेज रन स्कोर बाय ए बैट्समैन इन हिज 20 इनिंग्स इज 42। If he got out after scoring 84 runs in the next inning, then what will be his new average? देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 20 इनिंग्स का एवरेज है 42, ओके, एंड नेक्स्ट इनिंग मीन्स 21 इनिंग जब वो खेल रहा था तो उसने कितना स्कोर किया, 84 रन, और उसके बाद वो आउट हो गया, ठीक है। तब न्यू एवरेज क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ओके। सो लेट अस अज्यूम कि न्यू एवरेज हमारा क्या है, एक्स, ओके। तो अगर न्यू एवरेज हमारा एक्स है तो 21 इनिंग तक टोटल नंबर ऑफ रन हमारे कितने हो जाएंगे, 21x, राइट। और इससे हम माइनस करें हमारे 20 इनिंग तक जितने रन है, और 20 इनिंग तक कितने रन हो जाएंगे, 20 इंटू 42, ओके। तो ये हमारे किसके इक्वल है, मींस 21 इनिंग में जो टोटल रन वो बना रहा है उससे अगर हम 20 इनिंग तक टोटल रन्स को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 21st इनिंग में जितना उसने स्कोर किया और वो क्या है हमारा, 84 इक्वल्स टू 84, मींस अभी तक जैसे हम करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमने किया है, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 21x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 84 प्लस, या माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 2 4 एंड 8, 840, प्लस कर दीजिए दोनों को, 924, तो x की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड बाय 21 इक्वल्स टू 44, तो न्यू एवरेज हमारा क्या आ गया, 44, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं,
और अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम निकालें 20 इनिंग का टोटल रन कितने आए हैं हमारे 840, ठीक है। इसमें हम जो 21 इनिंग में उसने रन बनाए उनको करें प्लस, ठीक है, एंड डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल इनिंग कितनी खेली उसने, 21, ठीक है। तो यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा 44, ओके। सेम ही है दोनों चीजें, आपको जैसे समझ आए आप वैसे कर सकते हैं। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।